भाव अक्सर शंकरा की बंदिशों में देखने को मिलते हैं। जैसे इस बंदिश को ही लीजिए, सो जान लिया बालमवा नीकी तिहारी वचन, सो जान लिया बालमवा नीकी तिहारी वचन, उत्तर बनावत बन नहीं आवत, कहे देत सब नहीं छान। इस बंदिश में राधा कृष्ण से कह रही है, मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, तुम मेरे सवालों का झूठा जवाब दे रहे हो जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। आली मोरी नीर भरन कैसे जाऊं, बीच है थाड़ो मग रोकत कान्हा धीट लंगरवा। राधा अपनी सखी से कह रही है कि मैं पानी भरने कैसे जाऊं जबकि बीच रास्ते में खड़े होकर कान्हा मेरा रास्ता रोक देते हैं। राग शंकरा की इस बंदिश में भी शिकवे शिकायत का भाव देखने को मिलता है। तो ये थी राग शंकरा की बंदिशें और उससे पैदा होने वाली भावों की बातें। और अब हम सुनते हैं राग शंकरा का गायन और खुद ही महसूस करते हैं इससे पैदा होने वाले भावों को। और इसे आपके सामने पेश कर रही हैं श्रीमती शुभ्रा गुहा। आप आगरा घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं और कलकत्ता की संगीत रिसर्च अकादमी से जुड़ी हुई हैं। काहे करता
जो करीम सो ही शाम, जो रहीम सो ही राम, जो रहीम, जो रहीम सो ही राम, जो रहीम सो अब हम आपको राग शंकरा के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। जैसे राग शंकरा को मेघ राग का पुत्र माना जाता है। शिव मत और सोमेश्वर मत के अनुसार मेघ की छठी रागिनी हरश्रृंगारा है। हो सकता है समय के बीतने के साथ साथ ये नाम शंकरा में बदल गया हो। वैसे शंकरा को दूसरे रागों के साथ मिलाकर अन्य रागों का भी निर्माण हुआ है। जैसे शंकरा और शुद्ध कल्याण को मिलाकर शंकरा करण बनाया गया है। इसके अलावा शंकरा और यमन को मिलाकर शंकरा अरुण और शंकरा और बिहाग को मिलाकर शंकरा बरन बनाया गया है। लेकिन इन रागों को बहुत ही कम गाया बजाया जाता है। सिर्फ ग्वालियर घराने के विशुद्ध परंपरावादी कलाकार शंकरा बिहाग नाम के एक राग को बड़े चाव से और बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी राग शंकरा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इस राग को इसकी समग्रता में समझने में काम आती है। और अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं संगीत के एक ऐसी महारथी से जिनकी राग संगीत में बहुत गहरी पकड़ है। आप हैं प्रतिभावान सितार वादक पंडित बिमल मुखर्जी। आप जयपुर घराने के बीन अंग का सितार बजाते हैं और आप एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर भी हैं। राग शंकरा जो है वो अभी काफ़ी अप्रचलित हो गया है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत के 6 राग और 36 रागिनी में से ही है और शंकर भगवान के नाम पर ये राग अर्पित है। ये शाम का राग है और इस राग का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें आपको 2-3 रागों का झलक आपको इसमें दिखाई देगी, लेकिन इसका एक अपना व्यक्तित्व है और ये राग दूसरे राग से अगर ठीक तौर से इसको गाया या बजाया नहीं गया तो दूसरे राग से मिल जाने का इसका संभावना रहता है। और ये राग में आप देखेंगे कि बहुत कम राग हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो मध्यम वर्जित हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत सुनने में बहुत इसका मिठास है इस राग में। और ये राग को दोनों अंग से बजाया जाते हैं, मंद्र में इसको बजाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये उत्तरांग में ऊपर के ऑक्टेव पर इसको ज़्यादा गाते बजाते हैं। आपने राग के पर्सनालिटी की यानी कि व्यक्तित्व की बात की, तो राग शंकरा की क्या विशेषता है? ये जो राग है इसमें आपको बिहाग, शुद्ध कल्याण और बिलावल के बहुत सुंदर एक मिश्रण मिलेगा आपको। और ये राग
को बजाने का तरीका है। जैसे उस्ताद इनायत खान साहब कहते थे कि राग को आप मर्द कहेंगे या औरत कहेंगे, तो बोले ये तो आपका मिजरा बजाने का तरीका, बीड लेने का तरीका, आप गोद में लेके बजाए तो एक तरीका से होगा, आप पैर पे रख के बजाएंगे तो और तरीका का होगा। ये जो इसका जो व्यक्तित्व तो है, ये कैसे बनता है और इसमें वीर रस, विरह रस, ये सब कुछ ये राग में मिलता है, जो आपको सुत कल्याण, बिलावल और बिहाग में मिलता है। इनका सब मिलाया हुआ एक जगह पे है। और इसका खासियत ये है कि इसमें मध्यम है नहीं, इसलिए इस राग का जो प्रोग्रेशन है वो जैसे गापा नीसा नीधा पागा, इसका जो प्रोग्रेशन है उस प्रोग्रेशन बहुत स्टीप है। शंकरा के आरोह में सा ग प नी सिर्फ चार ही सुर है। कहते हैं ऐसे राग सितार के लिए बहुत मुश्किल है, क्या ये सच है? लोग अगर इसको खाली तान तैयारी और स्टकैटो नोट्स इस पे अगर बजाना चाहे तो भाई शंकरा राग बहुत मुश्किल राग हो जाएगा, क्योंकि इसका चलन वक्र है और ये चलन में आपको मीर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मीर का इस्तेमाल करेंगे तब जाके शंकरा राग खड़ा होगा, नहीं तो ये राग का शकल ही आप ढूंढ नहीं पाएंगे। शंकरा का उपयोग पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में भी बहुत होता है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका एक ट्रिमेंडस स्टेज अपील है और लोग एकदम जल्दी से उसको यानी क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा ये तानसेन जो फिल्म था जिसमें केएल सहगल ने एक्टिंग किया था, उसमें एक गाना है रूमा झूमा, तो वो गाने में उन्होंने शंकरा कपूर खेमचंद प्रकाश उसके डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसमें जो गाना उन्होंने गाया था छोटा सा गाना था 3 मिनट का, लेकिन शंकरा का पूरा शकल वो गाने में मिलता है। और वो गाना का असर जो सिनेमा में दिखाते हैं कि एक पागल हाथी को उन्होंने वश में लाया। टैगोर जी ने तो बहुत गाने बनाए हैं, एक उनका बहुत फेमस गाना है जिसको हम देशातक बोध संगीत बोलते हैं, जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है, उसमें उन्होंने एक गाना रचा था चौल रे चौल सबे भारत संतान से, ही इज एक्सॉर्टिंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू मूव टुगेदर टुवर्ड्स स्ट्रगल एंड फ्रीडम। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 5 स्वरों वाली शंकरा भगवान शंकर के 5 मुख की प्रतीक है, और कहा यह भी जाता है कि शंकर जी के 5 आननों से 5 रागों की उत्पत्ति हुई। शैव मत के अनुसार वे 5 राग हैं श्री, बसंत, पंचम, मेघ तथा भैरव। और अब हम सुनते हैं राग शंकरा साज पर, और वो साज है सरोद, और सरोद वादन आपके सामने पेश कर रहे हैं श्री प्रत्यूष बैनर्जी। आप प्रख्यात सरोद वादक पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता के प्रतिभाशाली शिष्य हैं, तो आइए सुनते हैं आपसे शंकरा सरोद पर।